अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो व्लॉग स्टार्ट है। आप सब कैसे होंगे कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंकल जो है रेडी हो गए हैं इज्तिमा में जाने के लिए। बैग क्योंकि कमेंट आया था कि आंटी आपने इब्राहिम की पैकिंग करते हुए नहीं दिखाया, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बैग पैक कर दिया है आपके अंकल का। साथ में ये मैंने आपके अंकल के लिए तस्बीह, ये लीजिए। मैं आपको ग्लव दे दूँ? नहीं, ठंड बहुत होगी। चलें ठीक है जी जी, आपने बहुत सारी दुआ करनी है हमारे लिए। दुआ में याद रखेंगे ना, दुआएं पता है ना क्या क्या करनी है हमारे बच्चों के लिए, मेरे लिए, खास तौर पे मेरे भाई बिलाल के लिए। बिलाल भी वहाँ से आ रहा है ना, वहाँ से आपके अंकल को ज्वाइन करेंगे और जुल्फी भी हमारा करेगा ज्वाइन और मोहम्मद भी जा रहा है। आप नहीं जा रही हो? मैं जा रही हूँ। मोहम्मद नहीं जा रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। तो बस मैं और मेरी बेटी घर में अभी है, रात देंगे इंशाल्लाह। अभी सुबह इंशाल्लाह जल्दी उठूंगी, जल्दी उठ के मुझे चेस भी जाना है कुछ सामान लेने के लिए। मेरा बेटा आ रहा है और वो रो रही है, उसका काम ही यही होता है ऐसे टप्पा मारूंगी ना। अल्लाह की राह में लटका के इब्राहिम का, बड़े खुश होते हैं इब्राहिम की हर चीज लेके जाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की अमान में। बस मैं आपके अंकल को छोड़ती हूँ बाहर तक। जनाब मैं बाहर आ गई और बाहर आके देखते हैं इनके बाबा जो है बाइक लेने के लिए गए हैं। आ गई है फातिमा अपने बाबा के साथ। तो बिठाई, इतना रोई भी अभी। आ जाओ शहजादी, आ जाओ आ जाओ। ये देखें, ये अपने बाबा के साथ। मैं अल्लाह के हवाले, फी अमान अल्लाह, जाके मुझे कॉल कर दीजिएगा इब्राहिम से मेरी बात। हाँ नेटवर्क मैसेज तो कुछ कोशिश कीजिएगा कि मेरी बात मुझसे कर लो। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई तो कैसे हैं आप सब लोग? अभी मैं और माम जन आपको दिख रहे हैं। भाई हम लोग आए हुए इज्तिमा के अंदर। मैं माशाल्लाह से पहले दिन से आया हुआ, जुमेरात से जब से इज्तिमा लगाया भाई। माम जन और जुल्फी अंकल, जुल्फी अंकल सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो ये जुल्फी अंकल, मोहम्मद और ये पापा बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये लोग अभी अभी बस आए, आज हफ्ते का दिन है और अभी ये लोगों को मैं लेने आया हूँ। पापा घूमो गए थे, अंदर ढूंढ रहे थे, मैं सो रहा था, मेरे सर पर आके मेरे को उठा के बोलते भाई इब्राहिम उठ गया मोहम्मद। मैं उठा, फिर लोगों को ढूंढा तुझे, ये अंदर घूम रहे थे कब से, ढूंढ लिया पता नहीं। मैं सो रहा था, मेरे सर पर आके खड़े हो गए। मैंने यही बोला दूसरे को, मिला पहले खुरम भाई को ढूंढते अपने, उसके बाद इब्राहिम के बाद चलते। मेरे इब्राहिम का ये उरम है। अभी ये लोग आते हैं, अभी पापा यहाँ पर समोसे वमोसे खा रहे हैं देखो भाई। तो बस ये समोसे खाते हैं, उसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आपको दुआ बयान अभी सब कुछ दिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास मोबाइल तो था नहीं भाई बिल्कुल। अभी ये मोबाइल लाए तो कोशिश करेंगे आपको सब कुछ दिखाए। तो बस अभी चलते हैं फिर। और हमारा मोहम्मद भी आया देखो भाई, ये छोटा मोहम्मद है भाई, ये हमारा छोटा तबलीग में, ये भी हमारे साथ इंशाल्लाह तबलीग में निकलेगा। सही है ना मोहम्मद, 4 महीने के लिए चले फिर इंशाल्लाह। इसका पैंपर लेके चलेंगे 4 महीने के लिए। चले भाई, आप देखो भाई हमारा छोटा साथी है। इंशाल्लाह अगले साल हम बलाज को भी लेके आएंगे, हमारे साथ चलेगा। ये हमारा बैग लटका के अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं बाब नंबर 1 से। सर चलते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं। भाई आप यहाँ पर ये देख सकते हैं माशाल्लाह से वजू खाने में कितना रश लगा हुआ है। ये यहाँ का वजू खाना है, बहुत लोग हैं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं यहाँ पर। वजू खाने में कितना रश है चेक करने वाला। पानी भरने के लिए हमारे साथ मोहम्मद भी है और ये हमारा दोस्त है एक अहमद, वो भी है, और पीछे मामू जान और पापा और दुल्फी अंकल लोग आ रहे हैं। और अभी हमारे साथ बयान हो रहा है, बयान के बाद थोड़ा सा वक्फा वक्फा होगा, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद एक और बयान होगा और उसके बाद अपना वो होगा, फिर बयान होगा, उसके बाद हिदायत होगी, उसके बाद दुआ होगी। और अहमद भाई सलाम करेंगे आप, अहमद भाई सरवार है। तो बस भाई अभी चलते पानी भरते हैं, उधर बर्तन भी धोने हैं थोड़े से, फिर वो करते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं बयान में। भाई ये देख सकते हैं अभी यहाँ पर सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, इज्तिमा हमारा मुकम्मल हो गया। दुआ में दिखा नहीं सका क्योंकि हम लोग दुआ मांग रहे थे, टाइम नहीं मिला उसमें। बस अभी हम लोग जा रहे हैं। ये पापा है, मामू जान, जुल्फी अंकल और मोहम्मद। मोहम्मद ये भाई फुल नींद में। तो अब घर चलेंगे इंशाल्लाह, घर चलते आपसे मिलेंगे। बहुत मज़ा आया इंशाल्लाह। ये सो गया था भाई, इसने दुआ नहीं मांगी। तो चलते हैं फिर आपसे घर चल के मिलते हैं इंशाल्लाह। इधर आओ, इधर सारे सब चल रहा
थाउजेंड ईयर्स लेटर। अगर माशाल्लाह और हाल देखें इन लोगों का, ये देखें, और इसका अलग एक अपना मजा है अल्लाह के रास्ते से। मट्टी मट्टी अस्सलाम वालेकुम। मेरा शहजादा, ये सामान आप देखे आपने आंटी इब्राहिम की पैकिंग ही दिखाई, ये भी मेरे इब्राहिम की पैकिंग। मेरा बेटा गया था इज्तिमा में, माशाल्लाह मट्टी मट्टी, मगर इसका भी अपना मजा है। जिंदगी आ गया, अल्लाह खुश रखे तुझे मेरी जान। बिलाल मामू जान सब, मोहम्मद मामू खुश हुआ, सो गया था दुआ के वक्त। दुआ के वक्त सो गया था, इसने दुआ नहीं की? अल्लाह इसको उठा के दुआ करवाते बेटा। अल्लाह सबने दुआ की सबके लिए, मामू जान ने की अपने लिए। माशाल्लाह खुशी होती है, देखो ना ये अल्लाह से मोहब्बत है, ये अल्लाह से मोहब्बत है। फुरम कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगी। ये मेरे अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह तो कबूल करना। वहाँ बैठना, वहाँ मांगी गई हर दुआ अल्लाह कबूल करे हैं। खुरम मेरे बेटे का जाना अल्लाह कबूल करे, और जल्द से जल्द मेरे बेटे को जो मैंने खास दुआ बोली थी वो मांगी है, कबूल हो गई ना वो दुआ? बिल्कुल, मेरा ईमान है, यकीन है खुरम कि वो दुआ कबूल हो गई है, और इंशाल्लाह वो हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। तो बस भाई ये लोग आए, ये लोग साफ़ सुथरे अभी होंगे, और जो है उसके बाद नाश्ता वगैरह, फिर अम्मी को भी कॉल करती हूँ, बिलाल लोगों से भी। और इसने मुझे सोने नहीं दिए, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा, रात को बार बार उठ के यहाँ पर आ रही है। मेरे पापा कहें, मेरे पापा कहें, आ गए आपके पापा, जान के पापा, जान के लाचा, मुझे कह रही है आपके लाला आ गए और मेरे पापा आ गए। बाबा के गले लग जाओ, वरना मैं लग जाऊं, मैं प्यार करूं। मैं जा रही हूँ पापा के पास, जा रही हूँ। तो बस भाई बने रहें, तो देखते हैं आगे क्या होता है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। बाबा देखिए इतना प्यार चाह रहे हैं, वो कर ही नहीं रही, करेगी अभी आई। तो बस जनाब मेरा बेटा आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये आ गया है, और आज इसकी फरमाइश पर मैं बिरयानी बनाऊंगी, और मीठे में देखो शायद शीर खुरमा बनाती हूँ, या फिरनी बनाती हूँ, या पुडिंग बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ मुझे नहीं पता। बहरहाल मैं जा रही हूँ अभी सौदा लेने के लिए, ताकि मैं इसके लिए मज़ेदार वाली बिरयानी। और ये इतना नींद में, ये लोग वहाँ से चले थे 11:30 बजे और घर पहुँचे हैं 3:30 बजे, इतने थके हुए। और बिलाल लोग घर पहुँचे 3 बजे, थके हुए भी है, लेकिन फिर भी मेरा बेटा मेरे साथ जा रहा है। कह रहा हमने की हिम्मत नहीं रखी अमित, आप देख सकते हैं मेरी जान मेरी जिंदगी बेटो। फटाफट से मैं जाती हूँ उसके साथ, सामान लेकर आती हूँ, उसके पापा भी सो रहे हैं, तो बस मैं जाके जल्दी से आती हूँ। तो यहाँ तो इतना रश है, ऐसा लग रहा है कि सारी आवाम आज यहाँ टूट पड़ी है। तो मैंने तो भाई ना मैं सब्जी की तरफ जा सकी, ना मैं चिकन की तरफ जा सकी। मैंने सिर्फ टाइम क्या लिया हमने, मैंने अपनी बस थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें ले ली है, वो इब्राहिम के हाथ में है। इतना रश है, यहाँ चलने की जगह नहीं, तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी बाहर चलो, बाहर से ही इब्राहिम हम जो है चिकन वगैरह ले लेंगे। सब्जी पे ऑफर है, मगर बहुत ज़्यादा रश है और इतना टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। तो बस इब्राहिम भी नींद में है फुल, मेरा बच्चा, तो बस हम बिल करवाते हैं और बाहर निकलते हैं और आपको बताते हैं। A few moments later, जनाब आ गई मैं बाजार से अपना सामान लेके। कुछ इब्बू चेस की एक और शॉपर कहाँ है, कहाँ? अच्छा ये रही वगैरह सारा, क्योंकि इतना रश था चेस पे। वाकई में नो डाउट कि बहुत बड़ी मतलब कि वो सेल लगी हुई थी वेजिटेबल्स पे, और खासकर जो है ना गोश्त पे, चिकन पे नहीं बीफ पे। तो मुझे आइडिया नहीं, काफ़ी टाइम हो गया हमने खाया भी नहीं था बीफ का जो है ना गोश्त, तो इस वजह से जो है मुझे नहीं आइडिया था। 750 रुपये मिल रहा था और बाहर है 1200 रुपये, 1200 है या 1100 ऐसा आई थिंक कुछ है। बहुत ज्यादा रश था, कुछ आइडिया नहीं हो रहा था। वेजिटेबल्स इतनी सस्ती थी, ऐसा लग रहा था कि फ्री में मिल रही है, हमारे नसीब में नहीं थी। वजह ये थी कि जहाँ वजन करते हैं तो वो इतनी लंबी लाइन थी कि हमें रात के 12 बज जाते पर हमारा नंबर नहीं आता। मगर मेरी ने मुझे फिर भी लेकर गया। कहाँ गए थे आपको नहीं पता कहाँ गए थे? मम्मा कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी? सामान लेने गए थे, खाना बनाना है मुझे अपने बेटे के लिए, बिरयानी बनानी है। और अहमद अभी तक नहीं उठे, अहमद को मैं उठाती हूँ। इसमें फेस वॉश है, रोल होने फेस वॉश है। मैं अहमद 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 उठ जाओ ना, कब उठेगा? मैं जा रही हूँ अभी, मुझे धनिया वो दही लेना है और साथ में मुझे लेना है बिरयानी मसाला। तो बस मैं जल्दी से जाती हूँ, फिर बिरयानी बनाती हूँ, तो वो भी आपसे शेयर करती हूँ, बने रहे हमारे साथ। तो गाइस बस इब्राहिम आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा ने आपको सब बता दिया। आज इब्राहिम मेरी तबीयत तो नहीं थी ठीक, आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अभी मम्मा इब्राहिम के लिए बिरयानी बना रही है, आधा काम तो हो गया, चावल भिगो दिए, मम्मा ने चिकन वगैरह उबालने रख दिया, कोरमा बन रहा है, कोरमा के बाद कोरमा कोरमा बनता है, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। क्योंकि मैं आज लेट उठा हूँ तो मुझे नमाज से सारी पढ़नी है, कसा करता हूँ लेकिन पढ़ता हूँ।
कजा करना भी गुनाह है लेकिन छोड़ नहीं सकते ना यार, छोड़ना उससे ज्यादा गुनाह है। लेकिन हम पढ़ते हैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल की सारी तमाम नमाजें हो रही है मेरी, तमाम नमाजें मैंने तो बना ली कि इस साल एक भी नमाज नहीं छोड़नी, ठीक है, अहद कर रहे हैं तो इंशाल्लाह एक नमाज नहीं छोड़ेंगे। आप लोग भी नमाज पढ़े, नमाज नहीं छोड़े, अगर छूट रही है तो उसको कजा करें ताकि उसमें आपके अंदर है ना जो कोताही है वो खत्म हो जाए कि नहीं यार नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, आज का फिक्र करके पूरा सोए। तो ये बुड़ 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 हो रहा है, ये अंदर आवाजें आ रही है, तो मैं पापा के साथ भी नहीं जा सका, इज्तिमा के अंदर दुआ भी थी वो भी नहीं अटेंड कर सका, बेटा बस यार क्रिकेट खेलने चला गया, दुआ करने नहीं गया, ताइया थी बस पता नहीं कैसे चला गया, वो भी फालतू में गया, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, लग गई चोटी के लिए। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना, दो दिन से कह नहीं रहा तो बताएंगे ही नहीं, इन्हें कहना पड़ता है तो बताएंगे। तो बाकी इज्तिमा बहुत बड़ा था माशाल्लाह माशाल्लाह, कमेंट में माशाल्लाह लिखते हैं, कमेंट में माशाल्लाह लिखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।